खबरों की सुर्खियों में ममता बनर्जी के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी है, उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी और ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन है। अब तक आपने नोटों का पहाड़ देखा, लेकिन आज तक को अर्पिता की चौंकाने वाली प्रॉपर्टी का भी पता चला है। आज तक को अब पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की शांति निकेतन में ज्वाइंट प्रॉपर्टी का पता चला है, जो एक फार्म हाउस के रूप में है। जी हाँ, 10 कट्ठे में 2012 का यह फार्म हाउस महज 20 लाख रुपए में खरीदा गया। लेकिन सबसे बड़ी बात, फार्म हाउस का नाम खरीदने के बाद अपा रखा गया, यानी अर्पिता और पार्थ का नाम मिलाकर। ये फार्म हाउस जब 2012 में खरीदा गया था, उसके बाद आप देख सकते हैं उसका नया नामकरण किया गया था और नाम रखा गया था ओपा। बांग्ला में इसका नाम है ओपा, जिसका मतलब है अर्पिता और पार्थो, दोनों की इनिशियल्स, अर्पिता का अ और पार्थो चैटर्जी का प, ये दो मिला के अपा बनाया गया था नाम, और वही रखा गया है। और आप देख भी सकते हैं उस विजुअल्स में हम लोग दिखा रहे हैं, जो नेम प्लेट है बिल्कुल गेट पे साइनेज है, वहां पे लिखा है बांग्ला में ओपा, यानी अर्पिता और पार्थो। और यही अभी ईडी के स्कैनर में है, जितने भी इस तरह के प्रॉपर्टीज है। बाकी प्रॉपर्टीज का खुलासा पिछले कुछ दिनों में हुआ है, और बार बार उन प्रॉपर्टीज में ये देखा गया था कि वो अर्पिता मुखर्जी के प्रॉपर्टीज हैं, दस्तावेज यही साबित कर रही थी। लेकिन ये एक प्रॉपर्टी है जहां पे दोनों ने मिलकर, अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी दोनों ने मिलकर ये प्रॉपर्टी खरीदा था, ये पहली बार हम देख पा रहे हैं। और इसके साथ साथ ये भी साबित हो जाता है कि कितने गहरे उनके संबंध थे, 10 साल का संबंध। 2012 में ये प्रॉपर्टी खरीदी गई थी दोनों एक साथ। साफ है ये रिश्ता कुछ कहलाता है, एक मॉडल और एक राजनेता का गठबंधन करोड़ों के वारे न्यारे कर रहा था। ईडी के लिए अब ये पता लगाना बड़ी चुनौती बन गई है कि आखिर नोटों के असंख्य बंडल का होता क्या था, ब्लैक को व्हाइट करने का सीक्रेट रूट क्या था। दरअसल 20 मई 2011 को पार्थ चटर्जी मंत्री बने, इधर पार्थ मंत्री बने और उधर अर्पिता की कंपनियां खुलने लगी। ईडी को अब तक अर्पिता की 3 कंपनियों के बारे में पता चला है। पहली कंपनी सिम्बायोसिस मर्चेंट प्राइवेट लिमिटेड, अर्पिता 21 मार्च 2011 को कंपनी की डायरेक्टर बनी। दूसरी कंपनी सेंटी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, वही कंपनी जिसकी डायरेक्टर अर्पिता 9 नवंबर 2011 को बनी। तीसरी कंपनी अर्पिता इच्छा एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड 2014 में कंपनी बनी और 19 अक्टूबर 2014 को अर्पिता डायरेक्टर बनी। कोलकाता के हाजरा में बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर प्रदर्शन किया, बीजेपी के कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। कोलकाता के हाजरा मोड़ पे बीजेपी के जो प्रदर्शनकारी थे उनको कोलकाता पुलिस यहां से उठा रही है। यहां पर हमने इनसे बात की, इनका दावा है कि जब भी ये लोग यहां पे आ रहे हैं प्रदर्शन करने के लिए, पुलिस इनको यहां से लेकर जा रही है। ये लोग चिल्ला रहे हैं कि चोर धरो जेल भरो, जिसका मतलब है कि चोरों को पकड़ो और उनको जेलों में डालो। यहां पर अगर पुलिस की तैनाती दिखाएं आपको, एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा पूरा आपको दिखाए कि कितने यहां पे पुलिस के, कितने यहां पे ऑफिसर्स हैं, कितना हाई सिक्योरिटी जोन है ये। इसका कारण ये है कि यहीं से कुछ दूर ममता बनर्जी का घर है और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जगह है कोलकाता के लिए ये स्थान। एक बार दिखाएंगे आपको यहाँ पे कितने आईपीएस ऑफिसर्स, कितनी फोर्स यहाँ पे तैनात है। दूसरी बात, यहाँ पे शुकांतु मजुमदार जो स्टेट के प्रेसिडेंट है, स्टेट के बीजेपी के प्रेसिडेंट है, वो यहाँ पे आएंगे और पोस्टर्स लगाने की उन लोगों की डिमांड है। कैमरा पर्सन किरणजीत के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक कोलकाता। कांग्रेस ने भी बंगाल के ताजा हालात में मौका खोजा, तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला। ईडी को शक है तीनों कंपनियों को सिर्फ इसलिए खोला गया ताकि जांच एजेंसियों को चकमा देकर काले धन को सफेद किया जा सके। आरोप के मुताबिक पार्थ ने अपनी काली कमाई का बड़ा हिस्सा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, यानी कागजों पर नाम अर्पिता का और काला धन पार्थ चटर्जी का। अब पार्थ का यही काला धन ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की छवि को धूमिल कर रहा है, जिससे बेदाग निकलना आसान नहीं होगा। शांति निकेतन से इंद्रजीत कुंडू और कोलकाता से सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो।